हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डब्ल्यू एस बी सी सी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल पर आप लोग देख रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ फ्रेंड, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं, डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बुरी खबर। यहाँ पर देख सकते हैं, डीएलएड अभ्यर्थी नहीं बन सकते हैं सरकारी शिक्षक। जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो सरकारी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट है, आज का है फ्रेंड्स, 3/8/2019 का है। तो पूरी जानकारी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि बिहार डीएलएड बीएड से संबंधित पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आज का हिंदुस्तान पेपर मैंने डाउनलोड कर रखा है। ये पेपर आपका सासाराम का है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर डेट देख लीजिए, हिंदुस्तान पेपर है, 3 अगस्त 2019, पेज नंबर 6 में दिया गया है फ्रेंड्स। आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हो पेपर को, हिंदुस्तान पेपर लिखिएगा और उसके बाद जो है बिहार हिंदुस्तान पेपर, और उसके बाद लिख करके उसमें डिस्ट्रिक्ट मांगेगा तो डिस्ट्रिक्ट डाल करके आप जो है इस पेपर को देख सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है आप इसे देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, डीएलएड अभ्यर्थी नहीं बन सकते सरकारी शिक्षक। अब इसमें देख लेते हैं पूरी जानकारी, आखिर क्या बात है। यहाँ पर देखिए, अग्रेर एक संवाददाता एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल द्वारा वर्ष 2017 में अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स प्रारंभ की थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस कोर्स का लाभ सरकारी व निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले उन सभी शिक्षकों के लिए था जिनके पास शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर कोई डिग्री नहीं थी। यहाँ पर फिर बताया जा रहा है, नीचे देख सकते हैं, जहाँ सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि अप्रैल 2019 से किसी निजी विद्यालय या सरकारी विद्यालयों में कोई अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं रहेंगे। कुछ समय बाद जब यह लगा कि निजी विद्यालय में पढ़ाने वाले बहुत शिक्षक ऐसे हैं जिनकी उम्र अंतिम पड़ाव में है, तो उनके लिए एनआईओएस से डीएलएड कोर्स कराने का प्रावधान बनाया गया। इसके तहत डीएलएड कोर्स उन्हीं प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए है जो पहले से किसी निजी या सरकारी विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं। इस कोर्स में केवल उन्हीं शिक्षकों को सम्मिलित करना था जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाते थे। पूरे राज्य में 2017 में इस कोर्स के लिए 285,000 शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन हुआ, तो ज़िले में करीब 10,000 से अधिक शिक्षकों ने पंजीयन कराया जो अब तक अप्रशिक्षित थे। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें देख सकते हैं, बताया जा रहा है अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया था यह कोर्स। निजी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च तक प्राप्त करना था प्रशिक्षण। अब यहाँ पर देखिए, 26 संस्थान हैं डीएलएड कोर्स कराने वाले ज़िले में। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डीएलएड कोर्स अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए है जो किसी सरकारी या निजी विद्यालय में सेवारत हैं। निजी विद्यालयों द्वारा गलत तरीके से निबंध कराकर अप्रशिक्षित युवाओं को डीएलएड कराने का मामला अभी संज्ञान में आया है। जांच के बाद दोषी पाए गए विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डीएलएड के नामांकन पर स्कूलों में हुए फर्जी नामांकन। केंद्र सरकार से जैसे ही निजी विद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए एनआईओएस से डीएलएड कोर्स कराने की स्वीकृति मिली, तो निजी विद्यालयों में फर्जी अभ्यर्थियों की भरमार लग गई। सरकार के निर्देश के बावजूद बेरोजगार युवा या छात्र निजी विद्यालय के संचालकों की बातों में आकर नामांकन करा लिए। युवाओं को संचालकों द्वारा कहा गया कि डीएलएड कोर्स करने के बाद 2-2.5 लाख रुपये लगते हैं, लेकिन निजी विद्यालय के अप्रशिक्षित शिक्षकों के नाम पर यह कोर्स कुछ हज़ार में हो जाएगा। विदित हो कि बीएड कॉलेज में जो डीएलएड कोर्स कराए जा रहे हैं वो एनसीटीई के तहत होते हैं, जिनकी फीस लगभग 2 लाख के आसपास है। उस कोर्स को किए अभ्यर्थी सरकारी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्कूलों को कोड देने में धांधली। जी हाँ फ्रेंड, 2017 में जब एनआईओएस के तहत डीएलएड कोर्स जिले में शुरू हुआ, तो इस जिले
के कई निजी विद्यालयों में 70-80 हज़ार रुपये लेकर ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों को कोर्ट दिया जो किसी निजी विद्यालय में कार्यरत ही नहीं थे। बेरोजगारी से जूझ रहे युवा कम पैसे में सरकारी नौकरी के चाहत लिए निजी विद्यालयों के संचालकों झांसे में आ गए। अब यहाँ पर देखिए, सूचना के आधार से हुआ मामले का खुलासा। निजी विद्यालयों से रजिस्ट्रेशन करा NIOS, DLED कर रहे फर्जी अभ्यर्थियों के पैरों तले से जमीन तक खिसकी। जब सूचना के आधार अधिकार के तहत 25 जुलाई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि NIOS से DLED कोर्स मात्र सेवारत और प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए है, इस आधार पर सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक के पद पर इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये छोटी सी अपडेट थी जो DLED से थी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है फ्रेंड्स, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।